इस बार भी नेगेटिव आया। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि तुम डैड बनने के लिए कितने बेताब, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, मेरे पास आओ। तुम जाकर देखोगे, शायद स्टेसी होगी। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, ज्यादा मत सोचो। हेलो ब्यूटीफुल। ओ, कैटरीना की फिक्र मत करो, वो फ्रेश हो रही है। ओह, सही है, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। ओके, लेकिन पहले जरा यहाँ आओ। क्या तुमने, ये क्या चल रहा था? कुछ नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। स्टेसी, तुम बताओ ये क्या चल रहा था? देखो, अब हम इस रिश्ते को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? मुझे क्या बताना है डेवन? बताने के लिए कुछ भी नहीं। हम दोनों पिछले एक साल से साथ में हैं कैटरीना। क्या? नहीं, इस पर यकीन मत करो। हम इस बात को और छुपा कर नहीं रख सकते, क्योंकि सच तो ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ क्यों हो रहा है? तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूं। और मैं डैड बनने वाला हूं। हाँ। ओह माय गॉड स्टेसी, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? I'm sorry. मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मुझे डैड बनना है, पर तुम नाकाम रही। देखो, सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती, इसी का नाम जिंदगी है। आओ चले। डेविन और स्टेसी वहां से चले जाते हैं और कैटरीना अपने टूटे दिल के साथ बिल्कुल अकेली रह जाती है। डेविन जल्द ही कैटरीना के बारे में भूल जाता है और वो स्टेसी और अपने आने वाले बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और कैटरीना भी धीरे धीरे खुद को संभालना सीख जाती है। वो एक नए जोश के साथ अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती है। कई दिनों के बाद डेविन को स्टेसी की प्रेगनेंसी पर शक होने लगता है। इतने दिन गुजरने के बाद भी उसका पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। कैटरीना अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करती है और उसी के साथ उसकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आता है जो उसे इतना प्यार देता है जिसकी वो हकदार है। कैटरीना की जिंदगी में खुशियों की बहारें आती हैं तो डेविन की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। एक दिन डेविन स्टेसी को दूसरे मर्द की बाहों में बाहें डाले देखता है और जब वो उससे सवाल पूछता है तो वो बताती है कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो तो बस उसे और कैटरीना को अलग करने के लिए नाटक कर रही थी। डेविन बिल्कुल उदास और अकेला हो जाता है और दो साल बाद वो कैटरीना से मिलने की कोशिश करता है। कैटरीना, ओ हाय, आजकल मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं पूछना चाहता था कि क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? लेकिन स्टेसी और तुम्हारा बच्चा, उस बच्चे का क्या? सच तो यह है कि उसने मुझे धोखा दिया और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी झूठ कहा। छोड़ो उसे, वो जरूरी नहीं है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मुझे एक और मौका दोगी? हे जान, रोजी को भूख लगी है। ओके स्वीटी, कार में इंतजार करना। ओके। ये मेरे हस्बैंड है जिम और वो मेरी बेटी है रोजी। तुम देख सकते हो कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। इतनी आसानी से? I'm sorry Devon, लेकिन सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती और इसी का नाम जिंदगी है। गुड लक टू यू।
Hey, Darman.